रानी पोखरी न्याय पंचायत में सिंचाई व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों के जमाने के रोस्टर को हटाने और इसके साथ ही काश्तकारों की सिंचाई की समस्या के समाधान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में आज क्षेत्र के काश्तकारों ने सरकार के सामने 7 सूत्री मांग पत्र को उठाया और इसको हल करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। रानी पोखरी न्याय पंचायत के काश्तकार आज भोगपुर के गेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए और उनका कहना था कि सिंचाई की भूमि लगातार कम हो रही है, घट रही है और उसके बावजूद भी सिंचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में काश्तकारों को नहीं मिल पा रहा है। आज आप लोग नाराज हैं, आप किसान तमाम यहाँ पर किसान हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उनका घेरा हो रहा है। क्या वास्तव में सिंचाई की व्यवस्था बहुत खराब है? वास्तव में सिंचाई की व्यवस्था इस रानी पोखरी क्षेत्र में बद से बदतर हो गई। जब से एक पहली बात तो हमें यह बताया गया था कि जैसे भूमिगत नहर हो जाएगी तो व्यवस्था पानी की बिल्कुल सुचारू चलती रहेगी, उसके बाद में कोई कूड़ा नहीं होगा, कोई करकट नहीं होगा और आपको टाइम टू टाइम पानी मिलेगा। मगर ना तो इनकी बेलदार की व्यवस्था है उन छठों के अंदर, ना इनकी कोई आपसी लेने के लिए हो जाएगा किसान से लेने के लिए, जबकि आधी से ज्यादा आबादी के अंदर प्लॉटिंग हो चुकी, अंग्रेजों को टाइम का रोस्टर चल रहा है मगर इनसे पानी की व्यवस्था तब भी नहीं संभल रही है। मतलब कोई कुछ सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि एक तो वो रोस्टर चेंज हो, दूसरा इन गेट के ऊपर जितने भी तारे लगे और इनकी बेलदार की व्यवस्था हो। प्रत्येक किसान का खेत, चाहे वो 2 बीघे हो, चाहे 18 बीघे हो, चाहे वो 500 मीटर का खेत हो, मगर वो सिंचाई की व्यवस्था बनी रहे। जिस तरह से अभी अभी इन बेलदार ने और आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी को द्वारा बताया कि जगह जगह पे वो शटर टूटते हैं, उसकी जिम्मेवारी प्रधान जी लेंगे। भाई प्रधान जी क्यों लेंगे? आप विभाग लेगा उस चीज की जिम्मेवारी। भाई आपको बेलदार ने लिया है, ताला टूट क्यों रहा है इस विषय पर आइए ना। आप ताला टूट क्यों रहा, मतलब उस किसान के पानी नहीं लगा इसलिए तो ताला टूट रहा है। तो इसलिए आज इनका घेराव करके इन लोगों को आज पूरी धूप के साथ में हमने भारतीय किसान यूनियन के बैनर के इन्हें जमीन में बिठाया और जितनी हमारी 9 सूत्री मांग थी वो पूरी की पूरी नहीं एक हफ्ते का समय दिया है। अगर ये एक हफ्ते के अंदर इस पर अमल नहीं करते तो दोबारा से किसान यूनियन यहाँ पर आकर तालाबंदी करेगी और बंद करेगी, इन अधिकारियों को काम करना सिखाएगी।